बिना दाल को चक्की है नमक मत ऐड कर दें, ये ना होगी बहुत ज़्यादा नमक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नमक का कोई सलूशन नहीं। Who told you? That's my food. So आप मेरी तरह मत करें। ਕੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਗਲੀ ਦਾ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਗਲੀ ਦਾ। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे एंड उम्मीद है कि आपके घर में भी सब अच्छे हों और आपके आसपास भी सारा कुछ सुकून से चल रहा हो। सो आज की वीडियो में हम लोग कुक करेंगे एक साथ। आपको मेरी कुकिंग वीडियोस अच्छी लगती हैं और मुझे कुक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी दिल में पत्थर रख के आपकी खुशी के लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कुकिंग की। आज के इस वीडियो में हम लोग कुक करने वाले हैं दाल मखनी, क्योंकि मुझे लगता है पास की कई सारी वीडियोस में मैंने दाल मखनी शेयर की है, जिसकी शक्ल देख के आपको लगता है कि बहुत डिलिशियस है, और मैंने भी बताया भी होगा कि बहुत अच्छी बनती है। आप बहुत समय से रेसिपी जानना चाहते थे, मैंने सोचा कि क्विक सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसी के साथ कुक विद मी व्लॉग भी बनाते हैं। शुरुआत करते हैं दाल को चूल्हे पर चढ़ाने से, गैस पे चढ़ाने। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, दाल के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ धुली हुई माँ की दाल। वैसे साबुत अच्छी लगती है पर मेरे पास नहीं है तो मैं यही यूज़ करूँगी। अराउंड 1 कप मैंने दाल ली है और मुट्ठी भर राजमा। राजमा इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप थोड़े से राजमा ज़रूर से ऐड करें, बिकॉज़ ये धुली हुई दाल है तो मैं इसे भिगोऊंगी नहीं। वैसे भी अगर साबुत भी होती मैं तब भी भिगोती नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्लो कुक करती हूँ तो अच्छी तरह कुक हो ही जाता है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वंस ये वॉश हो जाती है तो हम इसे प्रेशर कुकर में कुक कर देंगे। पानी मैं मेरी दाल की क्वांटिटी का 3 गुना ऐड करूँगी, और जब पानी ऐड हो जाता है तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा नमक एंड लिटिल बिट हल्दी। वैसे इसमें हल्दी अच्छी नहीं लगती है, पर वैसे ही मैंने थोड़ी सी कलर के लिए ऐड कर दी है, और इसे हम कुक होने देंगे। हमारी जो दाल है वो गैस पे चढ़ चुकी है, अब हम उसको कुक होने देंगे। यूजली मैं इस रेसिपी के लिए साबुत माँ की दाल यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मेरे पास साबुत माँ की दाल है नहीं, तो हम धुली हुई माँ की दाल ही यूज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगी। जब मैं साबुत माँ की दाल यूज़ करती हूँ तो उससे मैं स्लो कुक करती हूँ खुले कुकर में काफ़ी समय तक। जितना स्लो कुक करेंगी उतनी ज़्यादा डिलिशियस बनेगी, एंड बिकॉज ये जल्दी कुक हो जाएगी तो इतना ज़्यादा मत करें कि आटा बन जाए। अब इसको कुक करने देते हैं, हम आलतू फालतू काम करते हैं कर लेते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ वैम्पायर डायरीज, बहुत समय से मैंने बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करते हुए देखा कि वैम्पायर डायरीज बहुत अच्छी है, पर मुझे वैम्पायर जैसा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता है, कि फेक लगता है मुझे, ऐसा लगता है कि बच्चों का। पर फिर भी मैंने शुरू कर लिया देखना और अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ऐसा नहीं, बट अच्छा लग रहा है मुझे। जब तक दाल कुक होती है मैं थोड़ा सा इस एरिया को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो बाहर गए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, एंड हिम्मत उसके स्कूल में है, आज फ्राइडे है, हिम्मत की 2 छुट्टियाँ आने वाली हैं। वेरी वेरी एक्साइटेड, आई डोंट नो, हिम्मत की छुट्टियों के लिए मैं भी उसका एक्साइटेड हो जाती हूँ। वैसे भी वो घर में रह के पढ़ता, आई डोंट नो, दैट्स मी। ओके, हमारे जो पड़ोसी है ना इस तरफ जिनका घर है, उनके घर छोटू सा बेबी आया है, बहुत ही क्यूट। वंस हमारी दाल कुक हो जाती है तो कुछ इस तरह की लगेगी, पानी इसने पूरी तरह सोख लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जो कि है 35%। अब हम इसे क्रीम में कुक करेंगे। इसमें मैं अराउंड 1 कप भर के क्रीम का ऐड करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डीप ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा रेडिश किस्म का बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड उसके बाद खूब सारी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ये दाल मखनी में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट करती है। अगर आप धनिया नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, पर ये कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड करना आप। इसको मैं फिर से स्लो कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि क्रीम जब तक घी नहीं छोड़ती तब तक हम इसे कुक करेंगे। So
सो दाल हमारी प्रेशर कुकर में कुक हो रही है. अब मैंने उसको उसमें आलतू फालतू चीज़ें ऐड करके फिर से स्लो कुक होने के लिए रख दिया है, जैसे कि आपने देख लिया है ऑलरेडी. एंड मैं बहुत सारे दोस्त मेरे बालों का रंग पूछ रहे थे. एक्चुअली मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने कौन सा कलर किया है, पर कल मैं फार्मेसी गई थी तो मैंने चेक किया कि मैंने कौन सा किया था. तो ये है गार्नियर का लाइट मीडियम ब्राउन. मैं एक्चुअली उसकी पैकेजिंग सी शेयर कर दूँगी, मैंने पिक्चर क्लिक की थी. पर उस ब्राउन को करने से पहले मैंने थोड़ा सा मेरे बालों को ब्लीच भी किया था. आई नो ब्लीच करना हेल्दी नहीं है, पर अगर मैं ब्लीच नहीं करूँगी तो मेरे बालों पे लाइट रंग चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे बाल काले रंग के थे. सो मैंने ब्लीच को मिक्स किया, अपने बालों पे लगा लिया. मुझे लगता है कि मैक्सिमम मैंने 7-8 मिनट्स रखा बस, बहुत कम रखा मैंने. लगाते ही मैंने नहाने की तैयारी की, जब तक मैं वॉशरूम में जाके मैंने धो दिया. सो उसी से इतना हो गया, पर फिर भी बिकेज मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा, सो ऐसे पैचेस में हैं. पर मैंने लगा कि यार इट्स ओके, यू नो काले बालों से मैं थोड़ा बोर हो गई थी तो इसलिए मैं इदा कर लिया, और मैं बाहर जाके करवाना नहीं चाहती हूँ. तो सो ये ऐसा लग रहा है, पर या इन्ना वधिया नहीं होया, क्योंकि कोई काला है कोई वो कोई जगह ब्लैक है कोई जगह ब्राउन है. वो इसलिए है क्योंकि मैंने मेरी ब्लीच को बहुत ज़्यादा देर नहीं रखा. उसके बाद मैंने वेट की हफ्ता, जब मेरे बाल धोने वाले थे तब मैंने उसको कलर किया. राइट अवे नहीं किया मैंने दो चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा. मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि घर में मत करें, बाहर से ही करवाएं जब भी करवाना है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, और कम डैमेजिंग होता है वो जब वो यू नो स्टेप बाय स्टेप करते हैं आपके ऊपर. हम लोग घर में अपने बालों को जला भी सकते. सो आप मेरी तरह मत करें, अगर करना भी है तो कोई अच्छी सी वीडियो देख के उसे फॉलो करके कर लें. सो यह है इन्फॉर्मेशन मेरे हेयर के बारे में. अब ये जो दाल का तड़का है उसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं. तड़का वैसे बहुत ज़्यादा आसान एंड क्विक होने वाला है. कोई भी हम चोल मोल नहीं करेंगे, हम सिर्फ गार्लिक, अनियन, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे. जो हम हर चीज़ में डालते हैं वही करेंगे, पर थोड़े से खड़े मसाले भी डालेंगे, बड़ी इलायची एंड छोटी इलायची एंड थोड़ी सी दालचीनी एंड जीरा, दैट्स इट, एंड कड़ी एंड बे लीफ. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं. सो प्रिपरेशन कर लेते हैं हमारे तड़के की, और ये हमारा पहला मील होने वाला है दिन का. 5 बज रहे हैं ऑलरेडी. सो बाहर आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है. कल मौसम था 30 degrees एंड आज है 2 degrees एंड बारिश हो रही है बहुत बुरी तरह. हमारा आउटडोर ग्रास देख लीजिए, एक्चुअली मैंने फर्टिलाइज़ किया था जिस वजह से ये इतना अच्छा लहलहाता खेत बन गया है. और हमारी जो मशीन है घास काटने वाली वो ख़राब हो गई है, और हस्बैंड उसको रिपेयर के लिए देने गए हैं, और इसलिए ये बेचारा ऐसे लग रहा. और चिड़ियों का जो घर है वो छुप चुका है और आप उसे देख नहीं सकते हैं, पर मैं ये पेड़ को काटा नहीं चाहती हूँ थोड़ा भी उनको देखने के लिए, क्योंकि मुझे ग्रीन बहुत अच्छा लगता है. वैसे फ़िलहाल बारिश में भी चिड़ियाँ बैठ. सो दाल हमारी कुक हो के ऐसी लग रही है, आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ दिया है. एंड मैंने एक छोटा सा चंक बटर का भी ऐड किया था, क्योंकि इसमें बटर बहुत अच्छा लगता है. इसका नाम ही दाल मखनी है, तो मखनी ऐड करनी बहुत ज़रूरी है. ओके, सो जल्दी से हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं. लुक एट दिस वाटरमेलन. हस्बैंड 2 वाटरमेलन लेके आए थे. मुझे वाटरमेलन बहुत अच्छा लगता है, पर आज वाटरमेलन खाने के लिए बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होता भी मन करता है. एक तो हम फैमिली ने खा लिया, हिम्मत भी बहुत खुश होकर वाटरमेलन खाता है, तो इसे साइड पर रख देते एंड हमारी तड़के की तैयारी करते हैं. सबसे पहले गार्लिक को छील लेते हैं, क्योंकि तड़के में सबसे पहले मैं गार्लिक ही ऐड करती हूँ. एंड या इसी तरह हम हमारे खूबसूरत तड़के की तैयारी कर लेंगे. 3:15 हो चुके हैं ऑलरेडी एंड हस्बैंड गए हैं. पहले एक्चुअली मैं सोच रही थी कि रुमाली रोटी बना लें इसके साथ, पर अब मेरा विचार बन रहा है कि जैसे तवे पे नान जैसा बना लेते हैं, क्योंकि आटा मेरे पास ऑलरेडी है गूंदा हुआ, तो उसी के साथ चल जाएगा. और आज हमारा बारबेक्यू करने का भी प्लान था, पर अब बारिश हो रही है बाहर तो, एंड ठंड है, मज़ा नहीं आएगा. अदरवाइज़ बाहर बैठने का मज़ा आता है. आई डोंट नो मौसम को क्या हो जाता है कि कभी भी ऊपर कभी थल्ले. सो गार्लिक को वॉश करके सबसे पहले ग्राइंड कर लूँगी मैं. Many.
not all that you want to. सो तड़का लगाने के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी. उसके लिए मैंने पैन रख दिया है. इसमें हम खड़े मसाले कुक कर लेंगे. पहले उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च एंड हरी एंड काली इलायची. इन दोनों इलायचियों को मैं कूट लूँगी अच्छी तरह, ताकि ये मेरे दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए फ्लेवर और आपके मुँह में नहीं आए. और मैं एक दालचीनी की स्टिक भी ऐड करने वाली हूँ. एंड अब ये सारे खड़े मसालों को मैं तेल में डाल के कर लूँगी, तब तक जब तक ये खुशबू नहीं छोड़ देते. जब खुशबू आ जाएगी तो मैं जीरा ऐड कर दूँगी, और जब जीरा क्रैक हो जाता है तो गार्लिक. गार्लिक को ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा ब्राउन कलर होने देंगे, क्योंकि कच्चा गार्लिक इस दाल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो ऊपर घूमता रहेगा. सो वंस मेरा गार्लिक थोड़ा ब्राउन हो गया तो मैं अनियन ऐड करने वाली हूँ, और अनियन को भी हम अच्छी तरह कुक करेंगे जब तक वो तेल नहीं छोड़ देता. सो अनियन का प्रोसेस थोड़ा सा क्विक करने के लिए मैं उसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी एंड इसको कुक होने देंगे. ऑलराइट, तो अनियन कुक हो रहा है. यहाँ पे हमें स्लोली कुक करना है, लाइक काली नहीं करनी है. जितना स्लोली कुक करेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा. दाल को तो जितना समय आप स्टोव पे धीरे 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 कुक होने देंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा. सो अनियन कुक हो रहा है, उसके बाद टमाटर ऐड किया जाएगा एंड दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है. और इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको और सॉल्ट की ज़रूरत है. सॉल्ट दाल में ज़रूर से चेक कर लेंगे कितना है, उसके बाद ऐड करें. मैंने अनियन में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया क्योंकि उससे कुकिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है. बिना दाल को चेक किए नमक मत ऐड कर दें, ये ना होगी बहुत ज़्यादा नमक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नमक का कोई सोल्यूशन नहीं. कम नमक का है, ज़्यादा का नहीं है. सो प्लीज़ टेस्ट करने के बाद ही नया नमक ऐड करें. वंस अनियन अच्छी तरह कुक हो चुका है, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे. वैसे ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, पर मैं जीरा एंड धनिया पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि दो चीज़ें हैं जो मैं ऐड करती हूँ. अदरवाइज़ मैं कुछ और मसाले नहीं ऐड करती. एंड लाल मिर्ची की कमी थी, लाल मिर्ची ऐड कर दिया मैंने, और काली मिर्च भी मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है वो भी. एंड इस समय पे आप हल्दी वल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको हल्दी जैसा रंग नहीं चाहिए. वंस ये मसाले तेल छोड़ देंगे तो हम इसमें टमाटर, जिंजर एंड हरी मिर्च का पेस्ट ऐड मिक्सचर ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह कुक करेंगे. और मैंने दाल को एक बड़ी खुले मुंह वाली कढ़ाई में निकाल लिया है, क्योंकि तड़के के बाद हम उसी में कुक करेंगे इसे. एंड मैं तड़के को मिक्स करने वाली हूँ. इस टाइम पे मुझे लगा कि जो मेरी दाल है बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है, अराउंड 1 कप. अब इस दाल को हम फिर से कुक होने देंगे जब तक हम सर्व नहीं करते. वैसे आप रेडी है खाने के लिए, पर मुझे इसका स्मोकी सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. जब तक कुक करते रहो उतना ही मज़ेदार बनती है. तो हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तड़का हो गया, और उसमें मैंने कई चीज़ें दोबारा से ऐड की हैं. नमक एंड मिर्ची कम थी तो मैंने बाद में ऐड कर दी. रेड चिल्ली आप तड़के में कम ही ऐड करें, क्योंकि बाद में टेस्ट करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिल्ली भी मैंने ऐड की है, पर ग्रीन चिल्ली शायद तिखी नहीं थी. सो दाल को अब हम स्लो पे अभी भी रहने देंगे. जिन ना कुक होगी उन्नी स्वाद बनेगी. सो अब हस्बैंड को देखने जाते कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे. 4 बज चुके ऑलरेडी, हमारे डिनर का समय हो चुका है. हिम्मत की चिंता नहीं करें, इसने अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर लिया. लंच में हिम्मत ने खाया था पिज्ज़ा, एंड ब्रेकफास्ट में इसने खाई थी परौंठी एंड एग्गी, एंड उसके बाद इसने पी दूध, इसने पी चाय, देन ही ड्रिंक blah 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 and then he play. What do you want to say? My mom cooked the best food. Who told you? You. Who told you? My food. Your food told you? Dad. Thank you so much. Why are you hurting me? That's okay. Not a big deal. La 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 la. La 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 la. Can you leave me alone? Go. Leave me alone, mister.
You hurt my fingers. Your fingers? Yeah. Yeah, it hurts. So thank you very much, दोस्तों, मेरे साथ कुकिंग में साथ देने के लिए. अभी हमें रोटी बनाना बाकी है, थोड़ी देर में बना, थोड़ी रिलैक्स कर लेते हैं, दाल को बनाना कर. ओके दोस्तों, तो मैंने थोड़ी सी और कसूरी मेथी ऐड कर दी क्योंकि जो अर्लियर डाली थी वो गम गई है और अभी मैंने डाली है तो खुशबू आ रही है एंड टेस्ट भी आएगा. सो यस, दैट्स न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट माई दाल. एक बंदे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि बताए कि कैसी लगती है. हाउ यू लाइक अग पाई पाई अग पाई पाई अग नी पाई है अग थले लाई मैं खुशबू लाई जावा मेरा रज हो जाए. सो नान रोटी बनाने के लिए इस बार मैंने क्या किया है कि तवे की उल्टी साइड पे रोटी को चिपका दिया है पानी लगा के. इससे थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें टेक्सचर है, जो तवा है उसमें टेक्सचर नहीं है तो उस पर चिपकता नहीं है. और बैक साइड पे थोड़ा अच्छी तरह चिपक गया. अब हमारी रोटी रेडी है, सर्व करते हैं हस्बैंड को. Keep on learning from you. I hate feeling so uncertain. She left and I keep on searching. But I can tell there's someone hurting you too. Mitha kat hove ta vi jagli da loon jyada hove ta vi jagli da. Nimbu na hove ta vi jagli da. He's like my son. He's like your son or he is your son? Oh, yeah, yeah, yeah. Where are you? Sachi, this roti is not just a tandoori roti. This is not just a tandoori roti. Just don't feel the same. Telling you it's better if we don't get attached. And when we're better, we'll know it's time to move on to the next. Mama said when I was younger, couldn't be alone. I still can't be alone, no. Lay me down slowly. Careful, I'm falling apart. Maybe just stay. कपड़ों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ देर पहले मैंने तंदूर पे काम किया है एंड अब मैं टेस्ट करती हूँ. हस्बैंड ने तो कहा कि अच्छी बनी है पर मैंने डाउट. तो बस वाला बहुत बढ़िया बनी दोस्तों. वैसे मैंने अपने आप से शक तो नहीं था. बड़ा मज़ेदार बनया. ए नान किस्म का बनाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम टब्बे पे बैठ के खा रहे नहीं है ना. नान ना कितना फ्लेवर आया ना. सो गाइस, अब आप ये दाल ट्राई कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा आसान है पर जब आप बनाएं तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक स्लो कुक करें एंड साबुत माँ की दाल यूज़ करें. फिर वो आपको फील होगी जैसे ये माँ तोमी है ना तुली हुई, तो ये मिक्स हो जाती है, वो थोड़ी फील होती है दाल. पर अगर घर में नहीं है तो ये भी बना सकते हैं, ये भी उतनी ही डिलीशियस बनती है. हस्बैंड, यू वांट टू ऐड समथिंग? नो. जो कैमरा बंद है उसे बहुत ऐड करनी है चीज़ें. बठिंडा एक्सप्रेस ओपन नहीं. ओके दोस्तों, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ खाना खाने के बाद. मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जब तुम खाना बनाते हो इतना डिलीशियस खा के बताया करो. सो मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के रिव्यूज़ के साथ इनफ है, पर नहीं, आपको मेरे रिव्यूज़ भी चाहिए. सो यस, दैट वाज माय रिव्यू. ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा डिनर हो चुका है. समय हुए हैं अराउंड 5:45 हुए हैं और मैंने डिनर खाते ही मेरे किचन को क्लीन कर लिया. अभी मैंने खाया ही है, तादी मैंने क्लीन कर लिया.
ये चकाचक है एंड मैंने डिशेस को डिशवाशर में डाल दिया, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अब मैं आराम से बैठ के वैम्पायर डायरीज देखूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि यू नो थोड़ा रिलैक्स कर दूँ, कब से मैं काम कर रही हूँ उसके बाद क्लीन करूँगी, पर फिर आपके दिमाग में ना चिंता रहती है कि यार गंद पिया। सो उस चिंता अब मेरी ख़त्म हो चुकी है। थोड़ी देर में मैं चाय पीऊँगी, हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों ठंडी ड्रिंक्स पी रहे हैं, पर मैंने नहीं पिए क्योंकि बाहर इतनी ठंड है, मैं ठंडा पीने के लिए मन नहीं करता जब बाहर ठंडा होता है, तो गर्मा गर्म चाय पीऊँगी। बट फिलहाल चिंता फ्री होके फोकस करिए, हम हमारा टीवी शो देखते हैं। लेट्स डू दैट। और लाइट सो आज मेरा ये एरिया स्टेशन होने वाला है क्योंकि यहाँ से मुझे बाहर बहुत अच्छी तरह दिखता है। बाहर बारिश हो रही है, खूबसूरत मौसम है। अगर आप उस एरिया में बैठ जाओ ना, आपको चिड़िया नहीं दिखती है खाती हुई, यहाँ से दिख रही है मुझे। आज तो चिड़ियों की पार्टी लगी है क्योंकि वो अर्थवर्म्स खा रही है, खूब सारे घूम रहे हैं इधर उधर। नॉट चिड़ियाँ, अदर बर्ड्स हैं। चिड़िया नहीं खाती देखी मैंने कभी, चिड़िया सब्जी खाती है। सो यस प्यारे दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। सो मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। We guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. I love you guys so very much. Bye.